हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं केले के फूल के कोफ्ते की सब्जी। अगर आपको जानना है कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ही ज्यादा आसान स्टेप्स में हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमने यहाँ पे ले लिया है केले के फूल। तो हमारे पास यहाँ पे 4 केले के फूल है। तो सबसे पहले इनकी पंखुड़ियों को हम लोग इससे अलग कर देंगे और इसके अंदर जो आप ये छोटे छोटे जो नीचे फूल टाइप का देख रहे हो उसी को हम लोग इसमें से निकालने वाले हैं। तो इसके जितने भी लेयर है सबको हम लोग अलग कर देंगे। तो देख सकते हैं इनके फूल के अंदर जितने भी होते हैं वो उन्हीं को निकालना है हमें। तो देख सकते हैं इसके हमने जितने भी लेयर से सबको अलग कर दिया है। तो बस अब उसके देख सकते हैं हमने उसका जो बाहर का लेयर है उसको तोड़ के हटा देना है और उसके बाद ये जो बीच में छोटे छोटे हैं स्टिक्स इनको निकाल लेना है। और इनके देख सकते हैं ऊपर साइड में हल्का सा वो पार्ट होता है उसको हम लोग को यहाँ पे तोड़ के हटा देना है इसमें से। तो ऐसे ही जितने भी हम लोग को इसका फूल जो है वो रेडी कर लेंगे। तो आप ऐसे ही जितने भी उसमें से देख सकते हैं अपने उंगलियों से उसको खींच खींच के हटा देना है आपको उसमें से तोड़ के। तो देख सकते हैं ऐसे ही जितने भी हमारे पास फूल है सबको हम लोग ऐसे ही कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाल के सबको जमा कर लिया है। तो अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए कुकर ले लेते हैं और उसके अंदर हम लोग इसको सबको डाल देंगे। तो कुकर में डालने के बाद इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे पानी। तो हमने यहाँ पे 1 ग्लास के करीब पानी यूज़ किया है। उसके बाद हम लोग इसको ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको हम लोग सीटी लगाएंगे। तो हम लोग को इसको 1 सीटी लगने तक पका लेना है। तो देख सकते हैं 1 सीटी लगने के बाद ये बहुत ज़्यादा गल जाता है तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने फिर से यहाँ पे इसको पानी ले लिया और पानी में हम लोग को 2 से 3 बार इसको धो लेना है। जो इसे धोने से इसके ऊपर का जो हल्का चिपचिपापन होता है वो अलग हो जाता है, जो खाने में हल्का करवाहट लगता है वो भी अलग हो जाता है। तो देख सकते हैं ऐसे ही हम लोग 3 से 4 पानी से अच्छे से इसको धो लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे धो के हमने अलग कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं मसाले। तो इसके अंदर हमने देख सकते हैं यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। तो इन सबको डालने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो इन मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देना है हमें। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर से डाल रहे हैं इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, फिर डाल रहे हैं यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन दोनों को डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से हम लोग यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो इस स्टेप के बाद इसके अंदर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे बेसन, और बेसन डालने के बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून बेसन के करीब यूज़ किया है। तो इसको हम लोग फिर से इसको भी डाल के अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लग के तैयार हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टिक्स है तो उसको हम लोग यहाँ पे खड़ा कर करके लगा देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक केला का पत्ता है, इसके अंदर हम लोग इसके जो पेस्ट है इसको फिल करेंगे। और फिल करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे लपेट देंगे इसको। तो देख सकते हैं इसको लपेटने के बाद अब इसी के ऊपर हम लोग इसको डाल देना है। हम लोग ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम बिना इसके करेंगे तो ये
आपस में मिक्स हो जाएगा और अलग अलग नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें बाद में इसके पीसेस काटने हैं। तो इसलिए हम लोग इसको केले के पत्ते के अंदर लपेट के इसके ऊपर डाल के और उसको वहाँ पे उबालेंगे हम लोग, उसके अंदर भाप लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग पानी डाल देते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके जो स्टीम होता है उससे पकने वाला है। तो ऐसे ही जितने भी हमारे पास है सबको हम लोग यहाँ पे केले के पत्ते के अंदर भर भर के उसे इसके अंदर लगा देंगे। अब हम लोग इसको ढक के यहाँ पे 5 मिनट तक अच्छे से इसके अंदर भाप लगने देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट बाद अच्छे से हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इसके अंदर इसको सावधानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बन के वो एकदम रेडी हो चुका है और आपस में देख सकते हैं कितना अच्छा लग चुका है। तो हम लोग केले के पत्ते को भी इसमें से अलग हटा देते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे ठंडा होने का वेट करेंगे। तो देख सकते हैं जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो अब हम लोग इसके बराबर बराबर पीसेस काट लेंगे। तो आपको इसको सावधानी से अच्छे से इसका पीसेस काट लेना है। ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, अगर आप एक बार ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है बनाना, आप आसानी से उसको बना भी सकते हो। तो देख सकते हैं जितने भी पीसेस है हमने इसको काट के अलग कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं इसके ग्रेवी वाले प्रोसेस पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 4 प्याज, उसके बाद यहाँ पे ले लिया है हमने यहाँ पे अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, उसके बाद यहाँ पे ले लिया है लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पे ले देख सकते हैं हमने यहाँ पे मसाले ले लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास प्याज का पेस्ट है, जीरा का पेस्ट है, हल्दी पाउडर मिक्स कर दिया हमने। आप वहाँ पे मसाले वीडियो को रोक के पॉज करके वहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या मसाले लिए हमने। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अब कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसके अंदर सबसे पहले इसको हम लोग फ्राई करेंगे। तो आपको यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे आपको 5 मिनट तक इसको अच्छे से कड़क होने तक फ्राई करना है, जिससे इसके बाहर का लेयर एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। तो इसको हम लोग अब बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो इसके नेक्स्ट स्टेप में इसके बारे में जानेंगे और इसके अंदर हम लोग ग्रेवी कैसे लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे फ्राई हो चुका है, उसके बाद चलते हैं अब ग्रेवी वाले प्रोसेस। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, उसके बाद ले लेंगे इसके अंदर 5 तेज पत्ते। तो यहाँ पे हमने 5 से 7 तेज पत्ते ले लिया, इसको अच्छे से हम लोग चटकने देंगे। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, पेस्ट को हल्का हम लोग फ्राई होने देंगे। अब डाल देंगे इसके अंदर हम लोग प्याज। अब हम लोग को प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। देख सकते हैं प्याज जब अच्छे से गल जाए उसके अंदर डाल देंगे हम लोग फिर मसाले। अब हम लोग को मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग मसाला फ्राई हो चुका है। मसाले को आपको मीडियम फ्लेम पर चलाते चलाते पकाना है, जिसे जले नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं अदरक का पेस्ट। अब अदरक का पेस्ट डाल के इसको हम लोग फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं चिकन मसाला। हमारे पास यहाँ पे 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर है, उसको हम लोग यहाँ पे डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे मिक्स कर देते हैं 1.5 गिलास पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे मिक्स करेंगे, जिससे जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। और देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ग्रेवी हमारा रेडी हो चुका है, बॉयल भी होने लग गया है। अब जितने भी हमने यहाँ पे बनाए हैं उसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। तो जब हम लोग इसको ग्रेवी के अंदर डाल देंगे उसके बाद ये थोड़ी देर बाद ग्रेवी को अच्छे से सोख लेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। तो हम लोग फिर से इसको ढक देते हैं।
तो 2 मिनट बाद हम लोग इसको फिर से हटाएंगे और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, फिर से हम लोग चला देते हैं थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे गरम मसाला, हमने यहाँ पे गरम मसाला का पेस्ट था वो डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे और देख सकते हैं हमारा यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी का, तब तक के लिए बाय बाय। और आप हमारे चैनल पर और वीडियोज़ को देख